तो ये है मेरा डे मेकअप लुक, मेरा डे मेकअप लुक फॉर फेस्टिव सीजन। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तापसी डीआईवाई एंड टिप्स। मैं हूँ तापसी। आज का जो वीडियो है ना फ्रेंड्स, ये बहुत ही मीन्स बहुत ही मेरा पसंदीदा वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें जो मैंने मेकअप लुक ट्राई किया है या फिर मेकअप लुक आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ, ये बहुत ही अफोर्डेबल चीज़ों से मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है। आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करिए, क्योंकि ये एक डे मेकअप लुक है, तो इसीलिए उस हिसाब से मैंने इसको क्रिएट किया है। तो कीप वॉचिंग। आपके फेस पे मॉइस्चराइज़र लगाने वाली हूँ। आप जो भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं आप वो लगा सकते हैं, बट मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ निविया क्रीम, क्योंकि अभी सर्दियाँ थोड़ी थोड़ी आने लगी है, तो निविया क्रीम अच्छा रहता है। और एज ए मॉइस्चराइज़र निविया क्रीम बहुत अच्छा रहता है। मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ गार्नियर का बीबी क्रीम। ये क्रीम बहुत ही अच्छा कवरेज देता है और डे टाइम के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसे भी इस तरह से डॉट डॉट करके ये पूरे फेस पे लगा लेना है। SPF 24 UVA UVB प्रोटेक्शन, विटामिन सी, आमंड एक्सट्रैक्ट, मिनरल्स फॉर ब्राइटनिंग। तो क्योंकि इसमें ऑलरेडी SPF 50 है, तो ये एज ए सनस्क्रीन भी काम करेगा। तो अभी मैं तीन से चार मिनट हो चुका है मैंने लगा लिया है इसको, और ये अच्छे से बहुत अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो चुका है। आप देख सकते हो स्किन अभी एक बहुत ही अच्छा ग्लोई सा लग रहा है फेस। अभी मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ लैक्मे का सन एक्सपर्ट अल्ट्रा मैट कॉम्पैक्ट। तो बीबी क्रीम लगाने के बाद मैंने अभी दो या तीन मिनट का यहाँ पे मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया, क्योंकि ये स्किन अच्छे से ऑब्जर्व कर लेगा। तो उसके बाद हम जब कॉम्पैक्ट पाउडर वगैरह लगाएंगे ना, तो उसका जो लुक है बहुत ही अच्छा आएगा। पहले वो बहुत नेचुरल सा नॉर्मल मेकअप करें, फिर भी आप कभी भी अपने नेक को मत भूलिए, क्योंकि फेस और नेक हमेशा इवन होना चाहिए, अदरवाइज वो बहुत ही ख़राब दिखता है। मतलब नेक पे आपने मेकअप किया ही नहीं और सिर्फ फेस पे किया है, तो वो अजीब सा लगता है। तो इसीलिए अपने नेक को कभी भी मत भूलिए। और मैं यूज़ करूँगी L18 का आई लाइनर। अभी मैं इस आई पे भी आईलाइनर लगा लूंगी। तो मैंने दोनों आंखों में आईलाइनर लगा लिया है। और आईलाइनर लगाने के बाद यहाँ मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी, वो ये है कि आईलाइनर लगाने के बाद आप दो या तीन मिनट आप
वेट, अदरवाइज ये इस एरिया में हमेशा लग जाता है, तो आप थोड़ा वेट करें, उसके बाद ही नेक्स्ट जो आई मेकअप है या फिर आपका मेकअप आप करेंगे तो वो आप करिए। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और आई लाइनर ड्राई हो चुका है। अब मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ पतंजलि का काजल। आई मेकअप यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आईब्रोज लगाने की। तो मेरे पास एक सिंपल सा आईब्रो पेंसिल, वो है लैक्मे का आईब्रो पेंसिल। आईब्रोज की बैंड बजी पड़ी है, पार्लर जा नहीं सकते तो घर पे ही कुछ मैनेज करके किया था। आईब्रोज यहाँ जहाँ पे थोड़ा सा गैप है वहीं पे मैं यूज कर रही हूँ आईब्रो का। आईब्रो ब्रश आपके पास नहीं है तो उसका मैं एक आपको यहाँ पे बता रही हूँ जुगाड़। वो ये है कि आपने देखा होगा ये इस तरह का पेंसिल्स, तो उसमें इस तरह के कोम्ब रहते हैं, आप उससे भी अपने आईब्रोज सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया है L18 का कलर पॉप्स मैट लिपस्टिक और इसका जो शेड है वो R33। अगर आपको L18 लिपस्टिक के रिव्यूज देखने हैं तो आप मेरे चैनल में देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है और अब मैं यहाँ पे इयर रिंग्स पहन लूंगी। और अब अपने बालों की बारी, क्योंकि बालों में मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करती, बालों को मुझे खुले रखना ही पसंद है। तो ये है सिंपल सा लुक। और तो ये था मेरा डे मेकअप लुक फॉर दिस फेस्टिव सीजन। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल बटन है ना उसे ज़रूर प्रेस करिएगा, तो मेरे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।